तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में सूर्य का गोचर है, इसीलिए तुला राशि के लोग अब अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान बनाए रखेंगे। तुला राशि के लोग अपने स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, खास तौर से पेट के मामले में और हृदय के मामले में तुला वालों को कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुला राशि वालों को संतान पक्ष को लेकर के इस समय समस्या हो सकती है। तुला राशि के लोग संतान पक्ष को लेकर के अलर्ट हो जाएं, चैतन्य हो जाएं। संतान के साथ तालमेल को लेकर के, संतान की उन्नति को लेकर के इस समय मुश्किलें आती दिखाई दे रही हैं। आपके पुराने विवाद, आपके पुराने झगड़े, आपके पुराने विवाद, आपकी पुरानी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसीलिए ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे पुरानी चीजें आपके सामने आ जाएं और आपको मुश्किलों में डाल दें। तुला वाले अगर स्वास्थ्य में छोटी मोटी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा, किसी भी तरह का स्वास्थ्य में रिस्क मत लीजिएगा। वृश्चिक राशि, सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है, फोर्थ हाउस में। आपके तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं बीच में अगले एक महीने के लिए, और इनके रुकने का जो कारण दिखाई देता है वो कारण है आपकी लापरवाही। आप काम टालेंगे, काम पर ध्यान नहीं देंगे, आपके बहुत बड़े बड़े बहुत अहम काम इस समय आपकी लापरवाही की वजह से रुकेंगे। अपनी माता के स्वास्थ्य का इस एक महीने में बहुत ध्यान दीजिएगा। इस समय आपकी माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं, छोटी मोटी भी दिक्कत हो तो आप लापरवाही मत करिएगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको पूरी तरह से बनाए रखना है, खास तौर से माता के हड्डियों का और नसों का ध्यान बनाए रखना इस समय जरूरी होगा। अगर आपके पास नौकरी बदलने का, कोई नई शुरुआत करने का, करियर में कुछ नया करने का ऑप्शन आ रहा है, भूल जाइए उसको। करियर में किसी तरह का कोई जोखिम मत लीजिएगा इस एक महीने में, करियर में कोई रिस्क मत लीजिए। एक तरफ तो मंगल आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर रहा है, वो कह रहा है कुछ भी कर दो, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ऐसा कुछ मत करिएगा। करियर में रिस्क लेने पर न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, जहां पर हैं वहीं पर बने रहें, वहीं पर परिश्रम करें, वहां पर आगे बढ़ने के लिए अगर बात करनी है तो बिल्कुल बात करिए, लेकिन करियर में बिना सोचे विचारे जोश में आके रिस्क ले लेंगे तो आप बड़ी मुश्किल में इस समय पड़ सकते हैं। धनु राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए तीसरे भाव में है और सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। करियर में कुछ ऐसा परिवर्तन इस समय हो सकता है जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो, जो आपके लिए बड़ा लाभकारी हो। इस समय आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। परिवर्तन अगर इस समय ना भी हो तो इतना जरूर है कि परिवर्तन जैसी स्थितियां बनेंगी और उन स्थितियों का आपको फायदा होगा। अच्छा है इस समय करियर में आगे बढ़ करके कोशिश आपको करनी चाहिए। धनु वाले अगर प्रयत्न करें तो इस समय पद प्रतिष्ठा का
और धन का फायदा, पद प्रतिष्ठा का और धन का लाभ धनु राशि वालों को जरूर हो सकता है। पारिवारिक जीवन में एक तरफ मंगल आपके खरमंडल मचाने को मजबूत है, दूसरी तरफ सूर्य उसको बैलेंस कर देगा। आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति बहुत नहीं बिगड़ेगी, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, धनु वाले इस समय बिल्कुल तैयार होकर के कोशिश करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, और अगर धनु वाले इस समय कोशिश करके प्रयास करके आगे बढ़ें, परिवर्तन लें, अपने प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए बात करें, तो उससे धनु वालों को फायदा जरूर होगा। तो धनु राशि के लोग इस एक महीने का पूरा फायदा उठाएं तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।